हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कमलेश सूर्यवंशी। स्टैफिसैग्रे की एक दूसरी भी बाजू है, एक दूसरी साइड है, जिसमें स्टैफिसैग्रिया वाइल्ड डेंजरस एक्टिविटी करता है और एट द सेम टाइम उसमें सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करने की भी बहुत चाह होती है। ये वाइल्ड डेंजरस एक्टिविटी क्यों करता है और इसे उसकी चाह क्यों है? वाइल्ड डेंजरस एक्टिविटी करना ये उसकी पसंद है और आगे जाके इसकी उसको लत लग जाती है। इसमें उसको मज़ा उठाना उसको बहुत पसंद आता है। वाइल्ड डेंजरस एक्टिविटी करने की रेमेडी नक्सोमिक है, सल्फर है, लेकिन ये दोनों को भी पीछे छोड़ जाती है, इतना वो रेकलेस होता है। रूब्रिक है टेमेरिटी, ऑडेसिटी, ये रूब्रिक आप उसमें देख पाएंगे, जहाँ स्टैफिसैग्रिया बहुत ही वाइल्ड होता है। ये एक्टिविटी करने के पीछे वजह क्या है? तो स्टैफिसैग्रिया के अंदर जो एंगर होता है उसको कहाँ तो एक आउटलेट मिलना चाहिए, और एस्पेशली जब इसका किसी ने तिरस्कार किया, स्कॉन किया इसको, या रिजेक्ट किया, डिसअप्रूव किया, तो इसके मन को ये चीज़ बहुत लगती है और उस समय उसको वो जो एंगर जमा है, ये एंगर बाहर निकालने के लिए उसको एक डेंजरस एक्टिविटी करने की ज़रूरत पड़ती है। स्टैफिसैग्रिया का लाइफ अगर सेफ और नॉर्मल चलता हो तो स्टैफिसैग्रिया एकदम एजिटेट हो जाता है, एकदम एंग्विश हो जाता है, ये मेरा लाइफ सेफ और नॉर्मल चल रहा है। क्यों? क्योंकि डेंजरस एक्टिविटी करके उसके अंदर का जो जमा हुआ राग है, जो अंदर जमा हुआ उसका गुस्सा है, वहाँ उसको कहाँ तो आउटलेट मिलता है। एट द सेम टाइम स्टैफिसैग्रिया बहुत ही सेक्सुअल है, रूब्रिक है लैसिवियस, लिबर्टिनिज्म, निम्फोमैनिया। स्टैफिसैग्रिया किसी भी रिजेक्शन को बहुत ही सेंसिटिव है, किसी भी डिसअप्रूव को सेंसिटिव है, स्पेशली सेक्सुअल रिजेक्शन को स्टैफिसैग्रिया बहुत ही सेंसिटिव है। स्टैफिसैग्रिया के मन में फैंसी सेक्सुअल बहुत चलते रहते हैं, फैंसी सेक्सुअल स्टैफिसैग्रिया, ये थॉट्स उसके मन में बहुत इंट्रोड्यूट होते जाते रहते हैं, और यही थॉट्स, ये विचार उसको मैस्टिब्यूशन करने के लिए, और वो भी फ्रिक्वेंटली मैस्टिब्यूशन करने के लिए प्रवृत्त करते हैं। और ये जब मैस्टिब्यूशन करता है तब उसको ये अच्छा नहीं लगता है। रूब्रिक है सैडनेस मैस्टिब्यूशन आफ्टर। ये क्यों होता है? क्योंकि स्टैफिसैग्रिया को लगता है कि मैंने ये गलत किया है, ये समाज में इसकी मान्यता नहीं है, भगवान मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और ये जब मैस्टिब्यूट करता है तब दूसरे दिन भगवान के सामने जाके बोलता है, भगवान मुझसे गलती हो गई। रूब्रिक है एंगर मिस्टेक अबाउट इस, उसको लगता है कि मैंने ये गुनाह किया है, डिलीजन क्राइम, ही हैज कमिटेड अ क्राइम, और इस वजह से मैस्टिब्यूशन या क्वेश्चन करने के बाद, सैडनेस क्वेश्चन आफ्टर, ये करने के बाद उसको उसकी खुद की घृणा लगने लगती है, उसको ये अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ये विचार उसको प्रवृत्त करते ये सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए, इतना कि वो विचार उसको होमोसेक्सुअलिटी के तरफ भी खींचते, एक इंटीमेट रिलेशंस बनाने के लिए एक इंटीमेट जोड़ीदार की आवश्यकता होती है। स्टैफिसैग्रिया रोमांटिक है, लेकिन वो जोड़ीदार मिलने के लिए उसको सामने से कदम उठानी जरूरी है, लेकिन स्टैफिसैग्रिया ये करता नहीं है। उसका ये हमेशा प्यार करने के लिए टालाटाल करना, अवॉइड करना, उसको कभी भी किसी जोड़ीदार से मिलाता नहीं है। स्टैफिसैग्रिया वैसे बहुत फ्रैंक होता है, अपने इमोशन दूसरों को बता भी सकता है, और अगर उसको रोना है तो रो भी सकता है, वीपिंग वाइल टेलिंग हर सिम्टम्स स्टैफिसैग्रिया, और वीपिंग इजीली स्टैफिसैग्रिया रो भी सकता है। क्यों? सिंपथी अट्रैक्ट करने के लिए। कंसोलेशन एग्रेवेशन में भी स्टैफिसैग्रिया, कंसोलेशन एमेलरेशन में भी स्टैफिसैग्रिया। कंसोलेशन एग्रेवेशन में स्टैफिसैग्रिया क्यों है? क्योंकि उसको ऐसे लगता है मैं प्रतिष्ठित हूँ, मुझमें कुछ अलग बात है, मेरा आदर है, मेरा सम्मान है, तो लोगों ने मुझे
समझाने की जरूरत नहीं है, अगर समझाने लगे यानी मुझे नीचे दिखाने लगे, इसलिए कंसोलेशन एग्रेवेशन है। एट द सेम टाइम उसको सिंपथी भी बहुत अच्छी लगती है, और उस समय उसको कंसोलेशन किसने किया तो बहुत अच्छा लगता है। स्टैफिसैग्रिया की एक बाजू यह भी है कि जिसमें स्टैफिसैग्रिया दूसरों से दूर भागते रहता है, स्पेशली समाज से। क्यों? क्योंकि उसे ऐसे लगता है कि मैंने जो बचपन में डोमिनेशन झेला है अपने पेरेंट्स के, वो डोमिनेशन अगर मैंने इन लोगों से वापस रिलेशंस किए, दोस्ती की, तो शायद ये भी मुझ पे डोमिनेट करेंगे, क्योंकि मैं तो क्रेडुलस हूँ, किसी को ना नहीं कहूँगा, और वो जो कहेंगे वो मैं सुनूंगा, और वापस मैं हेल्पलेस हो जाऊँगा, डोमिनेशन मुझ पे आ जाएगा, वर्सलेस कंडीशन आ जाएगी, रूबरी के हेल्पलेसनेस फीलिंग ऑफ, ये नहीं होना है। इसलिए हमेशा वो लोगों से दूर भागते रहता है। एक्चुअली स्टैफिसैग्रिया को अपने पिता ने बचपन में बहुत मारा होता है, वो मार उसे वापस नहीं चाहिए, इसे लोगों से छिपता छिपाया रहता है, कांटेक्ट बनाने नहीं चाहता, दूर भागते रहता है, रूबरी के हाइडिंग हिमसेल्फ, एस्केप अटेम्प्ट्स टू, मुझे इनमें मिक्स होना नहीं है, टिमिडिटी अपीयरिंग इन पब्लिक, टिमिडिटी क्राउडिंग, टिमिडिटी बैशफुल, इस सब रूब्रिक में हमें स्टैफिसैग्रिया मिलेगी। कंपनी एवर्जन टू सब रूब्रिक में स्टैफिसैग्रिया, लेकिन कंपनी डिजायर फॉर ये सिंगल रूब्रिक में भी स्टैफिसैग्रिया नहीं है। और कंपनी एवर्जन क्यों है उसमें, उसकी एक दूसरी वजह है कि स्टैफिसैग्रिया हमेशा सेक्सुअल फैंसीज में इंडल्ज होता है। उसको ऐसे लगता है कि मेरे मन में जो गंदे विचार चालू है वो अगर किसी दूसरे को पता चल गए तो फिर लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये इतना अच्छा हम इस व्यक्ति को समझते थे और इसके मन में तो बहुत सेक्सुअल विचार है, गंदे विचार है, ये लोगों को समझना नहीं चाहिए, इसीलिए उसको कंपनी नहीं चाहिए। रूबरी के कंपनी एवर्जन टू इंडल्ज हर फैंसी टू, उसको उस फैंसी में जाना है। कंपनी एवर्जन टू लोडिंग ऑफ कंपनी, कंपनी एग्रेवेशन, ये सब रूब्रिक में आपको स्टैफिसैग्रिया दिखेगी। उसको ऐसे लगता है कि ये जो मैं गंदी बातें कर रहा हूँ या बर्ताव कर रहा हूँ लोगों से छिप के, वो शायद लोगों को पता चले तो, इसलिए हमेशा वो सस्पिशियस रहता है। उसको हमेशा लगते रहता है कि मुझे अच्छा ही बर्ताव करना चाहिए क्योंकि लोग शायद मेरे पीछे है। रूब्रिक है डेल्यूजन पीपल बिहाइंड हिम, डेल्यूजन पीपल बिहाइंड हिम When walking, fear someone is pursue him, ये सब रूब्रिक आपको स्टैफिसैग्रिया में दिखेंगे। उसको हमेशा लगते रहता है कोई ना कोई मेरे पीछे है, मुझे देख रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, इसीलिए स्टैफिसैग्रिया कौन सी भी गंदी चीज़ करते समय ऑलवेज कॉशियस होता है। रूब्रिक है कॉशियस। स्टैफिसैग्रिया के मन में गुस्सा बहुत है, लेकिन वो गुस्सा उसका जो ऑपरेसर है उसके ऊपर ही अगर उसने निकाला तो ही वो गुस्सा परमानेंटली जा सकता है। इसीलिए स्टैफिसैग्रिया का एंगर, स्टैफिसैग्रिया को अपने एंगर में हमेशा टच रहने की ज़रूरत है और वो एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। अगर उसके ऑपरेसर स्पेशली उसके फादर, उनके ऊपर ही अगर उसके मन का गुस्सा उन्होंने निकाला तो ही वो शांत बैठेंगे। अगर उनको छोड़ के अगर उसने अपना गुस्सा दूसरों के ऊपर निकाला तो सिर्फ कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मैं गुस्सा बाहर निकाल सकता हूँ, लेकिन परमानेंटली उनके मन से गुस्सा जाएगा नहीं। वैसे ही स्टैफिसैग्रिया मेंटली इंटेलेक्चुअली बहुत शार्प होते हैं, उनको मेंटल इंटेलेक्चुअल चीज़ें करने बहुत पसंद है, इसीलिए दूसरे से गपशप करना और अपना टाइम पास करना ये उसको पसंद नहीं है। तो बहुत सारे किताबें पढ़ना, पढ़ाई करना, इनमें उसका मन लगता है। स्टैफिसैग्रिया कभी भी अपने बारे में बताते हुए हमेशा एक कन्फ्यूजन में होता है, वो खुद को अपने बारे में दूसरों के प्रति एक्सप्रेस नहीं कर पाता, दूसरों के सामने ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाता। स्टैफिसैग्रिया जब फिजिशियन के पास आता है तब वो फिजिशियन का लक्ष्य अपने प्राइवेट
लाइफ से हटा के दूसरे बातों पे इजीली लेके जा सकता है हंसते हंसते, जिससे कि फिजिशियन मेरे मन की बात जान ना पाए, मेरी रियल लाइफ स्टोरी जान ना पाए। इसमें स्टैफिसैग्रिया बहुत माहिर होता है। स्टैफिसैग्रिया उतना ही डिप्लोमेटिक है, रूबरिक है मैनिपुलेटिव। स्टैफिसैग्रिया बराबर जानता है कि जो सिचुएशन, जो पर्सन उसको अनप्लीजेंट लगते हैं, उनको कैसे अवॉइड करना है। स्टैफिसैग्रिया का शार्प इंटेलेक्ट उसका विश्व सिर्फ एक्सप्लोर करने में ही मदद नहीं करता है, तो अपने लाइफ के ऊपर का फोकस, दूसरे जो उनके अटेंशन दे रहे उसके लाइफ पे, वहां से कैसे हिलाए, ये करने के लिए भी उसका उपयोग करता है। कन्वर्जन कितना अगर भारी होता हो या झगड़ालू होता हो, तो स्टैफिसैग्रिया अपने शार्प इंटेलेक्ट से वो लाइट करने की कोशिश करता है। बीच में अगर वो जोक भी क्रैक कर सकता है, जिससे से माहौल ये बहुत लाइट हो जाए। स्टैफिसैग्रिया एक दूसरी भी एक व्यक्ति आपको स्टैफिसैग्रिया में मिलेगी, दूसरा एक कैरेक्टरिस्टिक स्टैफिसैग्रिया में मिलेगा, जो बहुत ही इमोशनली रिलैक्स है, हेल्दी है, फ्लेक्सिबल है और किसी भी सिचुएशन में न डरते हुए अडैप्ट कर सकता है। उसका प्रिंसिपल एक ही है, बस इमोशनल जो चीज़ें है जिससे मैं भावुक हो सकता हूँ, उसको टालना।